प्यारी नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक हैं। आज के वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ ये फेस्टिव लुक जो मैंने स्पेशली आप सब के लिए क्रिएट किया है दिवाली के मौके पर। दिवाली वाले दिन हम सब बहुत बिजी रहते हैं। हम रंगोली बनाते हैं, दिए जलाते हैं, पूजा करते हैं, फ्रेंड्स से मिलते हैं। अब इन सब के बीच में हमारे पास बहुत ही कम टाइम रह जाता है तैयार होने के लिए। इसीलिए मैंने क्रिएट किया है ये लुक जो आप आसानी से 10-15 मिनट में क्रिएट कर सकते हैं और देखने में भी काफ़ी स्टाइलिश दिखता है। चलिए मेकअप की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं हूँ परमजीत, एक प्रोफेशनल मेकअप एंड हेयर आर्टिस्ट एंड आई पोस्ट ब्यूटी रिलेटेड कॉन्टेंट ऑन माई चैनल। तो अगर आपको मेकअप, हेयर स्टाइल, स्किन केयर, ड्रेपिंग इन सब में इंटरेस्ट है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऑल्सो छोटे से बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और मेरा कोई भी वीडियो आप मिस नहीं करेंगे। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। Already cleansed, toned and moisturized my skin and prepped my skin for makeup. अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैं स्किन प्रेप कैसे करती हूँ तो मैं वीडियो को यहाँ पर आई बटन के ऊपर लिंक कर दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी। ना स्किन प्रेप के बाद हमारा फर्स्ट स्टेप होता है प्राइमर, तो आज मैं यूज कर रही हूँ स्मैश बॉक्स का फोटो फिनिश प्राइमर। मेकअप की शुरुआत में मैं सबसे पहले अपने अंडर आई की डार्कनेस, एक्ने स्कार्स एंड पिंपल्स को कवर करती हूँ और उसके लिए मैं एक ऑरेंजी कलर का कंसीलर यूज करती हूँ और आज मैं यूज कर रही हूँ मैक का स्टूडियो फिक्स कंसीलर इन द शेड NW45। अब नेक्स्ट स्टेप है फाउंडेशन और मैं यूज कर रही हूँ Maybelline का सुपर स्टे फाउंडेशन इन द शेड 310 सन बेज। अब अंडर आईज को और ब्राइट दिखाने के लिए आई नीड अ कंसीलर विच इज 1 or 2 शेड्स लाइटर देन माय स्किन टोन और इसलिए आज मैं यूज कर रही हूँ मिलानी कॉस्मेटिक्स का कंसीलर इन द शेड 135 सन बेज। इसी कंसीलर को लिड्स पे लगाकर मैं ब्लेंड कर दूंगी और आई शेडो बेस क्रिएट हो जाएगा। अब हम बेस को सेट कर देते हैं और उसके लिए आज मैं यूज कर रही हूँ के ब्यूटी का लूज पाउडर इन द शेड लाटे। आई मेकअप शुरू करने से पहले मैं हमेशा अपने आईब्रोज फिल करती हूँ और आज मैं यूज कर रही हूँ फेरारुची का आईब्रो किट। आप कोई भी ब्राउन मैट आई शेडो भी यूज कर सकते हैं। अब हम अपना आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए रेडी हैं और उसके लिए आज मैं यूज कर रही हूँ अनास्तासिया बेवरली हिल्स का सॉफ्ट ग्लैम आई शेडो पैलेट और इसमें मैं सबसे पहले पिक करूंगी अपना ट्रांजिशन शेड विच इज दिस वन कॉल्ड बर्न ऑरेंज। अब मैं अपने क्रीज लाइन पर लगाने के लिए ब्राउन शेड लूंगी विच इज दिस वन कॉल्ड सियाना। Now I'm going to go ahead and apply a shimmery shade on my eyeball area और उसके लिए आज मैं यूज कर रही हूँ this one called glistening। Also applying the same brown shade on my lower lash line। आज मैं आईलाइनर बिल्कुल नहीं लगाऊंगी, सिर्फ मैं अपने आईज में काजल लगा रही हूँ जिसे मैं वाटरलाइन पे लगाऊंगी और आज मैं यूज कर रही हूँ फेसेस मैग्नेटाइज काजल। काजल के आउटर कॉर्नर को मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर रही हूँ। अब मैं लैशेस को कर्ल कर रही हूँ और मस्कारा लगा रही हूँ और आज मैं यूज कर रही हूँ फॉरएवर 52 का एक्सेल लैश वॉल्यूम मस्कारा। आई मेकअप
मेकअप कंप्लीट हो चुका है, तो अपने फेस का मेकअप कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले लगाऊंगी ब्रॉन्जर, और मैं यूज कर रही हूँ मूला ब्रॉन्जर फ्रॉम बेलफुल। अब मैं लगाऊंगी ब्लशर, और उसके लिए मैं यूज कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का ब्लश पैलेट इन द शेड शुगर एंड स्पाइस। And now for the lipstick, I feel like going in for a maroon lipstick merging into a brown today. तो इसलिए मैं brown lip liner लगा के उसके ऊपर red lipstick लगाऊंगी. And brown lip liner में मैं use कर रही हूँ color bar की lipstick in the shade chocolate brown. और उसके ऊपर से मैं लगाऊंगी forever 52 की velvet matte lipstick in the shade FT17. And that's the festive Diwali look that I wanted to share with you today. I hope you enjoyed watching this video. और अगर आपको मेरा ये दिवाली लुक पसंद आया तो इसे जरूर लाइक और शेयर करें, और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इट मीन्स अ लॉट टू मी। आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर कमेंट्स एंड सजेशंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए आई लव यू सो मच। टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाय बाय।